हमारे देश में सबसे ज्यादा पॉपुलर है एंग्लो इंडियन डिशेस, क्योंकि ब्रिटिश ने हमारे ऊपर भी देर तक राज किया, तो आज भी हमारे खाने में उनकी थोड़ी बहुत छाप देखी जाती है। इसी को कहते हैं फ्यूजन क्विजीन। घर में ही जो चीजें रखी हों, अगर उन्हीं को अदला बदली करके अगर पका दिया जाए तो वो भी एक तरह का फ्यूजन ही होता है। इसके बारे में और बात करते हैं हमारी आज के मेहमान से। स्वागत करते हैं ऋतु खन्ना जी का। नमस्ते ऋतु जी। नमस्कार, स्वागत है आपका रस्म रसोई में। थैंक यू। ऋतु जी, आप एक होम मेकर हैं। हाँ जी। और घर में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो एक बार बन जाती हैं, हाँ, और उसके बाद फिर यूज नहीं हो पाती। राइट। तो आप क्या कॉन्शियस एफर्ट करती हैं कि जैसे अगर कल रात की कोई सब्जी या मीट बच गया, राइट, तो उसको आप किसी नए ढंग से अगले दिन प्रेजेंट करें, स्पेशल तरह देके उसको चेंज करके फिर खाया जाता है, नहीं तो इट्स अदरवाइज जस्ट गोइंग वेस्ट। जैसे अगर नॉर्मल बॉइल्ड चावल ही बच जाते हैं तो अगले दिन उसके फ्राइज बना दिए जाते हैं घर पे ही, तो ऐसा करती रहती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ऋतु जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आज आप हमारे लिए क्या बनाने जा रही हैं? आज मैं आपके लिए चिकन चाउमीन विद साउथ इंडियन तड़का बनाने जा रही हूँ। बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे है 1 कप बॉइल्ड नूडल्स जिसमें हमने थोड़ा सा तेल डाल के उसे मिला रखा है, 1 कप श्रेडेड चिकन, चिकन स्टॉक है, यहाँ पे हमारे पास है मशरूम्स, सादा प्याज स्लाइस किया हुआ, पत्ता गोभी स्लाइस की हुई, हरी लाल और पीली पतली लंबी कटी हुई शिमला मिर्च, गाजर और हरा प्याज, अंडे, सोया सॉस, स्प्राउट्स, नमक, लहसुन, राई, कड़ी पत्ता और साबुत लाल मिर्च और सिरका। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम वॉक को गर्म करेंगे। अब इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच बड़े तेल। चलिए, तेल गर्म हो रहा है, तब तक मैं आपसे पूछ लेता हूँ, कभी कभी खाना बनाते हुए बहुत प्राउड फीलिंग आती है, हाँ, कि ना चलिए आज मैंने ये सोचा, एटलीस्ट मैं बनाया, तो ऐसा कभी आप फ्यूजन करती रहती हैं घर में भी कुछ ऐसा बच्चों के लिए लंच में बनाना या फिर ब्रेकफास्ट में कोई छोटी चीज बनानी? इतनी चीजें होती रहती, याद भी नहीं रहता है, लिटिल थिंग्स यू नो, यही होता है एक होम मेकर का कि वो इतनी ग्रेट चीज कर भी देते हैं और पता भी नहीं चलता कि हो जाती है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान नहीं रहता कभी कभी। चलिए, तेल गर्म हो चुका है ऋतु जी, मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन स्लाइस। तो ऋतु जी, इसमें हमने कितना चिकन डाला है? करीब 250 ग्राम चिकन, बोनलेस चिकन ब्रेड। चलिए, ये तो चिकन ऑलमोस्ट पक गया है क्योंकि बहुत ही पतला स्लाइस किया हुआ था। बिल्कुल। अब इसे आप निकाल के इसी वॉक में फिर डे पोच करने हैं। ठीक है, तो इसे निकाल देते हैं, आप वो प्लीज प्लेट दे दीजिए, तो मैं इसमें निकाल देता हूँ। ओके। और इसी में हमें अभी अंडे भी इसी ऑयल में बनाने हैं। हाँ, ये अंडे अब डाल के इनको पोच कर देना है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास यहाँ पर कितने अंडे थे? 3 अंडे। 3 अंडे। चलिए, अंडे भी स्क्रैम्बल हो गए, इसे भी इसी में निकाल लें। हाँ जी, साइड में आप डाल दीजिए। ओके। ओके। अब आई वेजिटेबल्स की बारी ना। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा और तेल डालें। 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के फिर भी हम सब्जियों को करेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्याज। हाँ, स्लाइस प्याज। और ये कितनी है? 1 कप। ओके। प्याज के बाद डालेंगे 4 टेबलस्पून स्लाइस मशरूम। अच्छा, ठीक है। 1 टेबलस्पून गार्लिक लहसुन। ठीक है। फिर हम डालते हैं शिमला मिर्च, 3 शिमला मिर्च। ओके, ये भी हमने 4 टेबलस्पून के करीब हो जाती है। पत्ता गोभी 1 कप। लास्ट में गाजर। ओके। 4 चम्मच बड़े। ऑलराइट। फाइनली 1 कप मूंग स्प्राउट्स। ठीक है। 2 टेबलस्पून स्टॉक। स्टॉक। चिकन स्टॉक। 2 टेबलस्पून, तो 5 टीस्पून हो गया ना? ठीक है। तो करीब 5 टीस्पून या फिर 2 टेबलस्पून चिकन स्टॉक। बिल्कुल। इसमें हमने डालने हैं 2 टेबलस्पून सोया सॉस। ठीक है। और 1 टेबलस्पून विनेगर। सिरका। Okay. चलिए, अब हम जो नूडल्स प्रिपेयर करके रखे हमने, ये सारे इसमें
डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो ये वेजिटेबल्स और नूडल्स तो अच्छी तरह इसमें मिल गए। हाँ जी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? बस लास्टली इसमें नमक टू टेस्ट, सॉल्ट टू टेस्ट, मतलब स्वाद अनुसार आप डाल लीजिए नमक। आई थिंक एक टीस्पून बहुत होना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट? नेक्स्ट हम दूसरी इसको रख के अलग से तड़का लगाएंगे इसका। ओके, ठीक है। सबसे पहले क्या डालेंगे? सबसे पहले तो डालेंगे एक टेबल स्पून, एक बड़ा चम्मच तेल। ओके, और इसे थोड़ी देर गर्म होने देंगे। बहुत अच्छा गर्म होने देंगे। ठीक है। जब तक ये तेल गर्म हो रहा है हम ये चिकन और एग्स नूडल्स में मिला लेते हैं। ओके, चलिए तेल भी गर्म हो चुके। इसको मैं साइड बाय साइड मिलाता रहता हूँ, आप मुझे बताइए कि आप तेल में क्या क्या डाल रहे हैं। हाँ जी, तेल में मैं डाल रही हूँ एक टीस्पून राई। अच्छा, अब एक टेबलस्पून कड़ी पत्ता और 4-6 साबुत लाल मिर्च। अब ये तड़का तैयार है तो नूडल्स को इस बोल में डाल के अच्छा, इसमें लगा देते हैं। अब ये तड़का भी इस पे डालें? हाँ जी। आखिर में ये हरा प्याज थोड़ा सा गार्निश के लिए ऊपर से डाल दीजिए। तैयार है ये? हाँ जी। ओके, आप लोगों ने बहुत सारी चीजें ट्राई की होंगी पर आई एम श्योर कि ये चीज कभी आपने ट्राई नहीं की होगी। जल्दी से इसकी रेसिपी नोट कीजिए और आज ही इसे अपने घर में ट्राई कीजिए। चिकन चाउमीन विद साउथ इंडियन तड़का। चिकन चाउमीन विद साउथ इंडियन तड़का बनाने के लिए आपको चाहिए उबले नूडल्स एक कटोरी, कटा चिकन 250 ग्राम, चिकन दो बड़े चम्मच, कटे मशरूम 4 बड़े चम्मच, कटा प्याज एक, कटी पत्ता गोभी 4 बड़े चम्मच, लाल पीली और हरी शिमला मिर्च 1 बड़ा चम्मच, टी गाजर 4 बड़े चम्मच, हरा प्याज गार्निश के लिए, फेटे अंडे 3, डार्क सोया सॉस 2 बड़े चम्मच, स्प्राउट्स 1 कटोरी, नमक स्वाद अनुसार बारीक कटा लहसुन 1 बड़ा चम्मच, राई 1 बड़ा चम्मच, साबुत लाल मिर्च 4-5, कड़ी पत्ता 1 बड़ा चम्मच, तेल 5 बड़े चम्मच। अब इसे बनाने की विधि नोट करें। एक वोक में तेल गर्म करें। अब इसमें चिकन को डालें और पकाएं और अलग निकालें। अंडे को भी पकाएं और निकालें। वोक में तेल गर्म करें। इसमें प्याज, मशरूम, लहसुन, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, गाजर और स्प्राउट्स डालें और सौटे करें। अब वेजिटेबल स्टॉक, डार्क सोया सॉस और सिरका डालें और स्टर फ्राई करें। अब इसमें नूडल्स डालें और अच्छी तरह मिलाएं। नमक डालें और मिलाएं। एक पैन में तेल गरम करें। चिकन और अंडे को नूडल्स में मिलाएं। राई, कड़ी पत्ता और साबुत लाल मिर्च डालें और तड़का बनाएं। अब तैयार नूडल्स को सर्व करें। तड़का डालें, गार्निश करें हरे प्याज से।